नेशनल खबर सब पर नजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में और मैं हूँ मीनाक्षी चौहान। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे थायराइड पर और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर डॉक्टर विश्व रूप रॉय चौधरी जी। सर, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, थायराइड क्या है, इसको कुछ सरल शब्दों में समझाइए। थायराइड कोई बीमारी का नाम नहीं है। पहले तो बॉडी का एक ऑर्गन है जो थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है, दैट इज थायराइड। थायराइड इज नॉट ए नेम ऑफ द डिजीज, राइट। अब थायराइड का जो हार्मोन है वो अगर ज़्यादा या कम हो जाए तो हमारे बॉडी के बहुत सारे केमिकल फंक्शंस हैं वो गड़बड़ाने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। इंसान मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, इम्यूनिटी उसकी पुअर हो सकती है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड थायराइड डिजीज। तो थायराइड वाला जो हार्मोन है फॉर लाइक एनी अदर हार्मोन, 52 टाइप का हार्मोन है मेन में, जिसमें से इंसुलिन भी एक है जो लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इंसुलिन जिसका कम बनेगा उसको भी दिक्कत है, ज़्यादा बनेगा उसको भी दिक्कत है। सिमिलरली हार्मोन इसमें भी, थायराइड में भी, किसी का कम थायराइड बनेगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा बनेगा तो भी दिक्कत है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रेफर टू थायराइड डिजीज़। इसी को थायराइड डिजीज़ कहते हैं, जिसमें हाइपोथायराइड होता है और हाइपरथायराइड होता है। जैसे ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन होता है, हाइपोटेंशन होता है, लेकिन इसमें उल्टा है। हाइपोथायराइड ज़्यादा लोगों को होता है, हाइपोथायराइड, और हाइपरथायराइड कम लोगों को होता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। थायराइड की का हार्मोन कम या ज़्यादा हो तो आपके बॉडी में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जिससे आपकी जो हेल्थ है, यानी कि आपकी एनर्जी लेवल है, आपकी इम्यूनिटी है, आपके केमिकल बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ थायराइड डिजीज़। ओके सर, थायराइड कितने टाइप के होते हैं? मेजरली आप दो ही याद रखो, हाइपो और हाइपर। हाइपो ही याद रखो, एक्चुअली हाइपो ही होता है। हाइपोथायराइड में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है आपको, TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। टेस्ट बहुत सारे होते हैं, T3, T4, उसको नहीं देखो, TSH देख लिया। TSH अगर आपका 10 से नीचे है या फिर 8 से भी नीचे है तो मान लीजिए सब कुछ नॉर्मल है, और उससे ऊपर है तो मान लीजिए ठीक नहीं है, तो उसको नीचे लाना है। इतनी सी बात है। ज़्यादा नीचे चला गया, -1, -2, -4, ऐसे माइनस में चला गया, तो वो हाइपर थायराइड हो गया, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। तो हमें सिर्फ TSH देखना है। थायराइड की रिपोर्ट आएगी, आप TSH देख लेना उसमें। अच्छा, 10 से नीचे है तो सब ठीक है, माइनस में तो नहीं है बहुत ज़्यादा तो ठीक है। इतना ही दिमाग से सवाल पूछना है, बाकी उल्टा सीधा और T3, T4 पर बहुत सारी चीज़ें और हैं, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। सर, आमतौर पर देखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा पतला होते जा रहा है तो बोलते हैं कि थायराइड की वजह से, या फिर किसी केस में बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहा है तो थायराइड की वजह से हो रहा है। तो ऐसा क्यों, क्या ये पतला होने वाला थायराइड या फिर मोटा होने वाला थायराइड, ये क्या अलग अलग होते हैं? अलग अलग नहीं होता, ये बॉडी का अपने मैकेनिज्म, अपने मेटाबॉलिज्म है। लेकिन हाँ, वही मैंने बोला कि अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो तब डॉक्टर को शक होता है कि भाई थायराइड बिगड़ा होगा, तो थायराइड की वो टेस्ट कराता है। टेस्ट में अगर वो TSH उसका अगर गड़बड़ दिखता है, इस रेंज में नहीं होता जो रेंज बताया, तो फिर वो थायराइड की गोली लेके उसको रेंज में लाते हैं। थायराइड की गोली से रेंज में लाने से नुकसान ये है कि धीरे धीरे वो गोली काम नहीं करेगी, तो आपको गोली की जो 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 डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा, और जब वो डोज बढ़ेगा तो साइड इफ़ेक्ट आएंगे। बाकी जितने हार्मोन्स हैं वो भी आपस में बैलेंस बिगड़ जाएगा, यानी कि कुछ दिन बाद आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाएंगे, हाइपरटेंशन के पेशेंट बन जाएंगे। खूब सारी और दवाइयाँ आपको धीरे धीरे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अकेले थायराइड की दवाई नहीं ले रहे होंगे, आप कई सारी और दवाई ले रहे होंगे। सो ये दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सर, थायराइड के सिम्टम्स क्या है? थायराइड के सिम्टम वही है जो डायबिटीज सिम्टम है। बेसिकली इसमें एनर्जी का कम होना, बहुत मोटा हो जाना, बहुत पतला हो जाना, बालों का झड़ जाना, स्किन में रैशेस पड़ जाना, दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स। कई बार हमारे थायराइड जहाँ ग्लैंड है यहाँ पे भी सूजन दिखना, वो भी सिम्टम में से आते हैं। तो सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है थायराइड का? देखिए, ट्रीटमेंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जो दवाई देते हैं, थायरोक्सिन, तो वो दवाई एक ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट का मतलब कि वो दवाई आपको ज़िंदगी भर लेते रहना है, और समय समय पे उसकी डोज बढ़ते बढ़ाते रहनी है, और उसके साइड इफेक्ट के लिए बाकी दवाई लेनी है। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर आप पूछते हैं इसका, एक तो ट्रीटमेंट क्या है वो तो बता दिए, ठीक कैसे करना है उसको। ठीक करने का तरीका ये है कि आप DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच आई रिकमेंड, अगर वो डाइट लेंगे तो जिसको ऑलरेडी थायराइड है कुछ सालों से, कुछ साल मतलब 15 साल 20 साल, उनको लगेगा करीब 1 से 3 महीना ठीक होने में,
और जो तो अभी रिसेंटली डिटेक्टेड है उसको लगेगा 2-4 दिन ठीक होने में। तो DIP डाइट अगर आप लेंगे तो थायराइड अगर है तो वो ठीक हो जाएगा, राइट, और अगर नहीं है तो होगा नहीं। जी सर, तो देखा दर्शकों आपने थायराइड को हम DIP डाइट से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आपके कुछ भी कमेंट या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। हाँ, व्यूअर्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप नेशनल खबर देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं अक्सर आपको इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं, आप अपना डॉक्टर बन सकते हैं साइंटिफिकली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात नेशनल खबर की बता दूं कि एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग ही जुड़े हुए हैं, एक ऐसा मीडिया लेके आए आपके सामने जो ऑथेंटिक हेल्थ के रिपोर्ट पहले तो खुद जानबीन करते हैं टीम, और जो लगता है कि ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है जो पब्लिक को सिर्फ फ़ायदा होगी बिना किसी साइड इफेक्ट के, वही वाली रिपोर्ट छन के तब आप तक पहुँचता है। तो आप इसको अपने जीवन का पार्ट बनाइए ताकि डिजीज आपके जीवन से भाग जाए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू। अपने कमेंट और सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।